हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अप ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ पार्ट बी। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस द पार्ट ए ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, वेयर एज वी एक्सप्लेन द कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस। किस टाइप से अपन बाय द हेल्प ऑफ मोलर कनेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देन कैलकुलेट मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर बेटा? तो यहां पर अपन अब इसका जो सेकंड पार्ट है उस पार्ट से अपन क्या करेंगे, बाय द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आयन से भी अपन क्या करेंगे, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट नंबर को फाइंड आउट करना है ट्रांसपोर्ट नंबर को फाइंड आउट करना है, राइट। कैसे करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ, तो यहां पर ट्रांसपोर्ट नंबर लिखेंगे अपन टी प्लस माइनस, टी प्लस माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, टी प्लस माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर इज द रेशो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ आइंस अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और कौन सा लेंगे अपन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसकी हेल्प से ही अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट की क्या करेंगे, मोलर कनेक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए टी प्लस माइनस दोनों के लिए लिखा है अपन ने, टी फॉर ट्रांसपोर्ट नंबर इसका केटाइन और एनायन का, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ आइंस, केटाइन और एनायन दोनों हो सकते हैं, अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? वी नो दैट कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्या है, लैम्डा इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस, ये अपन पहले क्लियर कर चुके। आप देखिए इधर, अगर अपन को एन प्लस, क्या लिखा बेटा मैंने, एन प्लस दिस इज द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो लैम्डा इनफाइनाइट प्लस या सी लिख दो केटाइन अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। क्लियर? सेम एज क्या हो जाएगा, देखो इधर एन माइनस इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट माइनस अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो प्लस की जगह लैम्डा इनफाइनाइट केटाइन, और माइनस की जगह क्या ले सकते हो आप, लैम्डा इनफाइनाइट एनआई। क्लियर? तो आप इसको प्लस माइनस लिखो या केटाइन एनआई लिखो। क्लियर हो गया बेटा? यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इधर अगर अपन को पर्टिकुलर केटाइन एनआई की क्या निकालनी हो, मोलर कनेक्टिविटी, इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू तो अपन देखो इधर, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट प्लस इक्वल टू एन प्लस लैम्डा इनफाइनाइट, राइट। इक्वेशन नंबर क्या होगी, थर्ड, ओमा यहां से देखो लैम्डा इनफाइनाइट माइनस इक्वल टू एन माइनस लैम्डा इनफाइनाइट। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। आप देखो
प्लस और माइनस की वैल्यू किसमें पुट अप कर सकते हैं, इस इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर ए दे दिया अपन ने इसमें। इक्वेशन नंबर क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन। इक्वेशन नंबर टू क्या है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन। और इक्वेशन टू और थर्ड से अपन ने क्या निकाल लिया, लैम्ब्डा प्लस की वैल्यू और लैम्ब्डा माइनस की वैल्यू एट इनफाइनाइट डायरेक्शन पे। इन दोनों की वैल्यू काट दो आप, इस इक्वेशन में रख दो, तो अपने पास क्या ऑप्टेन होगा, देखो बेटा, लैम्ब्डा इनफाइनाइट इक्वल टू एन प्लस लैम्ब्डा इनफाइनाइट प्लस एन माइनस लैम्ब्डा इनफाइनाइट। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए, तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, लैम्ब्डा इनफाइनाइट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आइंस। अब इसका यूज कहां आएगा, देखो बेटा यूज कहां आएगा, जैसे आपको क्या गिवन है, सपोज आपको Al प्लस थ्री की क्या गिवन है, जैसे मान लो 120 है, Al प्लस थ्री आएंगी क्या गिवन है, 120 मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है, और आपको गिवन है SO4-2 की, गिवन है SO4-2 की, क्लियर बेटा। तो यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, ध्यान दीजिए, SO4 की है सपोज 140 और आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, तो आप क्या करोगे, देन वी यूज कोलडाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। कैसे होगा, लैम्ब्डा इनफाइनाइट Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्ब्डा इनफाइनाइट कितने आइंस होंगे, ये टू आइंस है, Al+3 राइट, प्लस लैम्ब्डा इनफाइनाइट कितने आइंस है ये आपके, 3 SO4-2। तो ये जो 2 और 3 है, डेट मीन्स इस वैल्यू को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और इस वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 से। दीज आर द ट्रांसपोर्ट नंबर, दैट मीन्स इन मोलर कंडक्टिविटी हाउ मच आइंस आर इन्वॉल्व ऑफ गिवन इलेक्ट्रोलाइट, कितने आइंस इन्वॉल्व है, वही क्या है आपके, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आइंस। क्लियर बेटा, तो ये आपका कोलडाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन की हेल्प से अपन ने दो टाइप से, क्या कि मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फाइंड आउट की, जिसमें फर्स्ट अपन ने किया था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आइंस की हेल्प से, और दूसरा किया अपन ने बाय द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आइंस। क्लियर बेटा, आगे चले, नेक्स्ट है अपने पास में सेकेंड एप्लीकेशन, क्या है सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए बेटा, सेकेंड एप्लीकेशन है अपने पास में कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर बेटा, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहले बात तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट मीन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू देयर आइंस, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिनोट बाय अल्फा, कि आप सॉल्यूशन वाले में चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन राइट। अब यहां पर अपने पास में सिंपली जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वही बात आ जाती है आपकी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, क्या होता है बेटा, कंप्लीटली डिसोसिएट,
राइट। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? लेस डिसोसिएट, लेस डिसोसिएट। अब जो लेस डिसोसिएट हुआ है वो कितना हुआ है? हाउ मच अमाउंट, हाउ मच अमाउंट, क्लियर? कितना अमाउंट आपका डिसोसिएट हुआ है उसी को कहेंगे अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब यहां पर इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो अपन मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है, अपन एक लिमिट तक, ये सिंपल क्या है, सिंपल कंसंट्रेशन, मतलब गिवन कंसंट्रेशन पर क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। अब अपने क्या किया, इसका डाइल्यूशन किया, ऑन डाइल्यूशन, क्या किया, ऑन डाइल्यूशन, राइट। क्या ऑप्टेन हुई अपने पास में, लैम्डा इनफाइनाइट, क्या ऑप्टेन हुई, लैम्डा इनफाइनाइट, जिससे क्या होता है, C इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स क्या होगी, कॉन्स्टेंट, कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लैम्डा थी, डाइल्यूशन किया, अब डाइल्यूशन एक लिमिट तक होता है, पढ़ा था अपन ने, उसको क्या बोलते हैं अपन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उस पे C की वैल्यू क्या होगी, जीरो, दैट मीन्स C कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट, मतलब उस कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, उसको बोलते हैं अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्लियर। अब यहां पर जो कितना डिसोसिएट हुआ है उस वैल्यू को अपन किसकी फॉर्म में, अल्फा की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, किसकी फॉर्म में, अल्फा की फॉर्म में यहां पर इसको फाइंड आउट करेंगे अपन। तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, क्या है बेटा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ गिवन इलेक्ट्रोलाइट एंड मोलर कंडक्टिविटी एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ गिवन इलेक्ट्रोलाइट। तो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट एम, लैम्डा इनफाइनाइट, इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्लियर बेटा। तो ये था अपने पास में कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, जिसको अपन ने दो टाइप से एक्सप्लेन किया, फर्स्ट लिया था अपन ने कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, जिसको अपन दो टाइप से सोल्व किया था, मोलर कनेक्टिविटी ऑफ आइंस एंड ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ आइंस, और आपका सेकेंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसको अपन ने फॉर्मूला दिया अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा इनफाइनाइट, क्लियर। तो यहां से अपन को ये आपका कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, क्लियर बेटा। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।